उस्ताद जी थानू पता जिंदा इंसान की पहचान की है? की है? वो दूसरे की दुख तकलीफ नू अपनी तकलीफ समझदे आ। ते फिर मैनू भुख बहुत लगी है, रोटी खवा दे। तू मैनू मरिया ही समझ। गजब बेइज्जती है। तो जी हाँ, कैसे हैं आप तमाम सब लोग? हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम आए दिन कोई ना कोई ऐसा कारनामा करती है जिसको देखने के बाद शायकीन हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानियों के ऐसे ही मजाहिया तरीन कारनामे दिखाने वाले हैं जिनको देखने के बाद यकीनन आप ही अपनी हंसी को नहीं रोक सकेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। दोस्तों, हमारी वीडियो का सबसे पहला क्लिप देखें जिसमें ये मौलवी साहब फैज मुंतकिल कर रहा होता है, लेकिन तरीका कुछ अलग है। अगर आपको कुछ समझ आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नाज़रीन, दोस्त वो होते हैं जो जरूरत पड़ने पर काम आए। अब जरा इनका काम चेक करें। इनका दोस्त इनसे 500 रुपए उधार लेने आता है और कहता है जब आपको जरूरत होगी मैं आपको वापस दे दूंगा। आगे क्या हुआ ये भी जरा देख ले। यार, एक 500 रुपया दी जो तेन लोड हुई ले। ये कड़ी गल करती तू यार, अल्लाह फाट ओ गल सुन, 500 रुपया दे दे मेनू लोड। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, आजकल के भिखारी भी हाई लेवल के हैं। अब सर इस भिखारी के काम चेक करें। ये मांगने के लिए आता है लेकिन इस भाई से कहता है कि मैंने भी चाय पीनी है और साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी पिलानी है, इसलिए 50 रुपए देना। आगे क्या हुआ ये भी देख लें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नासरीन, इन होटल वालों ने तो कमाल के हद ही कर दी। अब जरा इनका जुगाड़ चेक करें। पानी वाला कूलर रखने के बजाय हर टेबल पर टूटी लगा दी। दोस्तों, ये पापा की परी कैचअप डाल रही होती है लेकिन आगे इसका प्रोग्राम तो बढ़ गया। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। दोस्तों, अब सर इस बॉलर की बॉलिंग चेक करें। इसने तो कमाल के हद ही कर दी। बैट्समैन को गेंद कराने की बजाय बाउंड्री के करीब गेंद फेंक देते हैं लेकिन बैट्समैन तो इससे भी दो कदम आगे निकला। चूना लगा दिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम हो और कोई हरकत ना करे ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अब जरा इस भाई साहब के ही काम चेक कर लें। बाइक पर गधे को बिठा लिया, आगे इसके साथ क्या हुआ ये भी जरा देख लें। के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये दोस्तों, अब सर इस पापा के मगरमच्छ के काम चेक करें। ये काम करने की बजाय लड़की को देख रहा होता है लेकिन आगे इसके साथ क्या कांड होने वाला है ये भी देख लें। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जिंदा इंसान की पहचान क्या होती है? अगर नहीं तो इस वीडियो में मालूम हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें क्योंकि ये आपके भी काम आ सकती है। उस्ताद जी, थानू पता जिंदा इंसान की पहचान की है? की है। वो दूसरे की दुख तकलीफ नू अपनी तकलीफ समझदे आ। ते फिर मैनू भुख बहुत लगी है, रोटी खवा दे। तू मैनू मरिया ही समझ। गजब बेइज्जती है। नाज़रीन, यकीनन आपने हर तरह का डांस देखा होगा लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा। आप सर इस भाई का अनोखा डांस भी देख लें। दोस्तों, इस बाबे ने तो कमाल की टांगे ही तोड़ दी। बड़ा दरवाजा खुला हुआ है लेकिन उसके बावजूद छोटे दरवाजे से गुजर रहा है। नाज़रीन, ये लड़का सर्दी के दिनों में नहा रहा होता है लेकिन अब जरा इसके नहाने का तरीका चेक करें।
नासरीन, इस लड़के ने तो कमाल की हद ही कर दी। टकले से कहता है, मुबारक हो भाई, तुम्हारा कद बढ़ने लग गया है। जब टकले ने वजह पूछी तो आगे लड़के ने ऐसा जवाब दिया जिसको सुनने के बाद आपकी हंसी तो खुद ब खुद ही निकल जाएगी। मुबारक हो, ये तुम्हारा कद बढ़ रहा है। ये मतलब असली वाला जो निकले होगा। नाजरीन, अब जरा इस पापा के मगरमच्छ के काम चेक करें। इनके घर चावल पक जाते हैं और ये स्पीकर उठाकर पूरे मोहल्ले को बताने चला जाता है कि हमारे घर चावल पक गए हैं। लो जी, आज दसवीं बिरयानी पका लिए, बोटिया पा के, पट पा के, देखो खुशबू तो आ रही होनी है। सरो बिरयानी बड़ी मजेदार, मसाले पा के डाल रहा था भी बनाया जे। अरे कहना क्या चाहते हो नासरीन? कुछ पापा के मगरमच्छ ऐसे होते हैं जिनको लड़कियां थोड़ा सा मुस्कुरा कर देख लें तो वो आगे से कहते हैं कि हमें मोहब्बत हो गई है, बिल्कुल इस भाई की तरह। आप जरा इस भाई की बात सुने और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। भाई, उसने 70 बच्चों की क्लास में सिर्फ मेरे से इरेजर मांगा तो इसका क्या मतलब है? भाई, इसका साफ मतलब है कि वो मुझे लाइक करती है। कल जा रहा हूँ उसके बाप से उसका हाथ मांगने। मैं नहीं दिखाऊंगा। नासरीन, ऐसा टैलेंट तो सिर्फ पापा की परियों के पास हो सकता है। अब जरा इस पापा की परी के काम चेक करें। मक्खी को जुबान पर बिठा कर मुँह में ले जाती है। आगे इसके साथ क्या हुआ जो ये भी जरा देख लें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नासरीन, अब सर इन पाकिस्तानियों का काम चेक करें। छोटा सा डब्बा गुजारने के लिए पूरा रोड बंद कर देते हैं। दोस्तों, ये लड़की स्टूडेंट होती है लेकिन इसने पापा के मगरमच्छ के साथ ऐसा गजब का प्रैंक किया जिसको देखने के बाद यकीनन आप अपनी हंसी को नहीं रोक सकेंगी। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आपकी रैगिंग तो कर सकते हैं ना। एक्सक्यूज मी, टीचर ही हूँ मैं, खड़े रहो। सॉरी मैम। नेम? शुभम। रोल नंबर? नहीं बता। तो ऑफिस में जाके पता लगाओ क्विकली। एक्चुअली स्टूडेंट ही हूँ मैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये नासरीन, सबसे पहले इस कार का लोगो चेक करें और आप जरा दूसरी कार का इंतजार करें। नो 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 नो। वाओ, वेरी अमेजिंग। दोस्तों, अब जरा इस कुत्ते के काम चेक करें। ये बारिश को फुल एंजॉय कर रहा है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम।